दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं मेगर क्या होता है और मोटर का मेगर कैसे लेते हैं और मेगर टेस्ट क्यों किया जाता है, मेगर कैसे काम करता है और मोटर में क्या क्या चेक करते हैं हम जब मेगर लेते हैं तो, और मेगर में IR वैल्यू क्या होता है, WR वैल्यू क्या होता है और दोनों को हम कैसे चेक करते हैं, और दोस्तों जो मेगर होता है वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और जो हम मोटर मेगर चेक करते हैं तो कौन से मोटर में कितना मेगर वैल्यू हम चेक करते हैं, कितना वोल्टेज उसमें अप्लाई करते हैं, मिनिमम IR वैल्यू कितना होता है और मैक्सिमम WR वैल्यू कितना होना चाहिए, ये सब बताने वाले होते हैं। और दोस्तों एक मेगर मोटर का मेगर करते 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 समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट को हम दिमाग में रख के फिर हम मेगर करते हैं, तो ये सारे बातें हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों मैक्सिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है, मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी भी मोटर का जो इंसुलेशन होता है या फिर किसी ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन होता है या फिर किसी केबल का इंसुलेशन होता है उसका जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फार्मूला होता है, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि एक मोटर का हम मेगर कैसे निकालते हैं, एक मेगर टेस्टर से कैसे हम चेक करते हैं मेगर वैल्यू। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेगर क्या होता है। तो दोस्तों मेगर एक टूल्स होता है जिसके द्वारा हम किसी मशीन या किसी मोटर या ट्रांसफार्मर या फिर केबल का हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। दोस्तों मेगर को हम अलग करें तो मेगर का मतलब होता है मेगा ओम मीटर, इसी को शॉर्टकट में हम मेगर बोलते हैं। तो मेगर के द्वारा हम किसी भी हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम मेजर करते हैं, इसको हम हाई रेजिस्टेंस मेगा मीटर भी मेगा ओम मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेगर। अब दोस्तों मेगर टेस्ट क्यों किया जाता है। दोस्तों कोई भी हमारा मशीन होता है या फिर मोटर या फिर ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें हम बहुत हाई सप्लाई उसमें हम देते हैं उसको वर्क कराने के लिए। तो दोस्तों उसके जो हम इंसुलेशन होते हैं, इंसुलेशन का काम रहता है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है, जो सप्लाई होता है उसको बाहरी से प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर इंसुलेशन जो हमारा ख़राब होगा तो उससे हमारे जो भी काम करने आसपास जाएगा उसको उसमें करंट लगने का या फिर हाई वोल्टेज से झटका लगने का डर होता है, तो इसीलिए उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होना चाहिए, मेगा ओम या फिर गीगा ओम में होना चाहिए। तो हम जो भी मोटर सर्विसिंग या फिर न्यू मोटर होता है या फिर ट्रांसफार्मर होता है या फिर कहीं केबल इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें हम जो हमारा इंसुलेशन होता है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा वैलिड नहीं होगा कोई भी मोटर या ट्रांसफार्मर उसको स्टार्ट के लिए या फिर रनअप के लिए। तो इसलिए हम किसी भी मोटर का मेगर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पता चल सके जो हमारा इंसुलेशन है वो प्रॉपर है, अच्छा है, उसका कंडीशन ठीक है। तो ये बात हो गया कि हम मेगर टेस्ट क्यों करते हैं। अब दोस्तों मेगर टेस्टिंग के दौरान क्या क्या उसमें चेक करते हैं। तो दोस्तों किसी भी मोटर का जब हम मेगर चेक करते हैं तो उसमें सबसे मोस्ट होता है IR वैल्यू, IR मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और दूसरा चेक करते हैं WR, WR मतलब वाइंडिंग रेजिस्टेंस, यानी कि जो हमारा तीनों वाइंडिंग होता है R फेज, Y फेज और B फेज का जो वाइंडिंग होता है उसका भी रेजिस्टेंस चेक किया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसका कंडक्टिविटी सही है कि नहीं है, और IR जो होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी दो टाइप का होता है, एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है जो दोस्तों फेज और फेज के बीच में रहता है, यानी RYB जो तीनों फेज हैं तीनों फेज के बीच में एक इंसुलेशन दिया गया रहता है, और दूसरा एक होता है इंसुलेशन वो होता है फेज और बॉडी के बीच में, यानी कि दोस्तों एक जो तीनों फेज हैं तीनों फेज और जो मोटर की जो बॉडी है उसके बीच में एक इंसुलेशन होता है उसको एक इंसुलेशन बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के इंसुलेशन होता है किसी भी मोटर में, फेज और फेज के बीच और फेज और बॉडी के बीच में। तो ये हमारे दोनों जो इंसुलेशन होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा मेगा ओम में आनी चाहिए, तो इसको हम चेक करते हैं जब हम मेगर करते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं मेगर हम कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों मेगर चेक करने के लिए देख कोई भी हमारा मेगर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मेगर टेस्टर होता है अलग अलग कंपनी का, जैसे मेको का आ गया, हियोकी का आ गया, क्यूरिटसी का, अलग बहुत सारी कंपनियों का जो हमारे मेगर होते हैं। तो मेगर एक्चुअली मेगर में हम क्या कर दो प्रोब होते हैं, एक प्रोब को हम अर्थिंग पे लगाते हैं, दूसरे प्रोब से हम जो हमारा फेज होते हैं RYB इन पर हम टच करा के कनेक्ट करके हम मेगर की वैल्यू चेक करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मेगर काम कैसे करता है, एक जो हमारा मेगर होता है वो कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों जो मेगर होता है एक्चुअली ओम्स लॉ पे काम करता है, ओम्स लॉ का हमारा जो फार्मूला है V=IR, तो इसमें हम उसी प्रिंसिपल पे हमारा मेगर भी काम करता है। मेगर एक जैसे 1 kV के अंडर का कोई भी मोटर हो, 1 kW का जो मोटर उसके अंदर का जो होता है उसके पे
जो हम 400 या फिर 500 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर तो 500 वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, 500 वोल्ट डीसी। दोस्तों अगर हम 500 वोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं तो मोटर का जो इंसुलेशन होता है उसको एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसके थ्रू वहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होता है। तो लीकेज करंट जो फ्लो होता है, मेगर उस लीकेज करंट फ्लो को मेजर करता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस कितना है। क्योंकि फार्मूले में जब हम इसको अब फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो भी बराबर आई वोल्टेज हम दे रहे हैं 500 वोल्ट, तो उसके द्वारा हमारे निकल जाता है कि रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हमारा ये मेगर के काम करने के प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि मिनिमम आईआर वैल्यू और मैक्सिमम डब्ल्यूआर वैल्यू कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन जितना अच्छा रहे उतना ही बेटर होता है हमारी सेफ्टी के लिए या फिर मोटर के लिए। तो इंसुलेशन वैल्यू हमेशा मेगा ओम या फिर गीगा ओम में आना चाहिए। तो एक बात होता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम ऐसे प्रैक्टिकली जो मिनिमम वैल्यू होता है 10 मेगा ओम से कम नहीं आना चाहिए। किसी भी मोटर की जो आयर वैल्यू है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो आयर वैल्यू कम से कम 10 मेगा ओम आना चाहिए। 10 मेगा ओम से ऊपर आए तो सबसे बेटर है, 10 मेगा ओम 100 मेगा ओम या फिर गीगा ओम में आए तो उतना ही बेटर होना होता है। तो ये मिनिमम जो आयर वैल्यू है 10 मेगा ओम से नीचे नहीं आना चाहिए। दोस्तों अब अगर मान लीजिए कि जो आयर वैल्यू है वो 10 मेगा ओम से डाउन है, बहुत कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आयर वैल्यू जो होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हमारा कम आ रहा है, 10 मेगा ओम से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मोटर है वो दोस्तों मतलब ही ठंडा हो गया, उसके अंदर मॉइस्चर चला गया है या फिर उसके अंदर नमी चली गई है। तो इस कंडीशन में हम उस मोटर को हीट करने की ज़रूरत होती है, तो उस मोटर को हम हीट करते हैं। तो जब दोस्तों उस मोटर को हीट करते हैं, वाइंडिंग उसका जो होता है ड्राई जब हो जाता है तो उसका मेगर वैल्यू आ जाता है, मेगा ओम में आने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको लगे कि मोटर का आई वैल्यू नहीं आ रहा था, एक बार उसको हीट करके दोनों साइड का कवर खोल के उसको हीट करके फिर मेगर वैल्यू चेक करेंगे तो आयर वैल्यू उसका आ जाता है। तो ये दोस्तों मिनिमम जो आयर वैल्यू होता है वो हमारा 10 मेगा ओम तक आना चाहिए, उसे कम नहीं आना चाहिए। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि जो डब्ल्यूआर वैल्यू होता है, डब्ल्यूआर यानी वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपको पता होगा कोई भी जो वाइंडिंग होता है वो एक प्रकार से कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए, एक ओम से भी कम होना चाहिए। तो जो हम डब्ल्यूआर वैल्यू मेजर करते हैं, तो प्रैक्टिकली दोस्तों जो हमारे पुराने मोटर होते हैं उनके जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम, 1.5 या 2 ओम तक जाता है। तो इतना रहता है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जो नया मोटर आता है उसका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है वो 0.5, 0.6 इतना आता है। तो लगभग 2 ओम के नीचे रहे तो ठीक ही है, प्रैक्टिकली जो पुराने मोटर हो जाते हैं अगर सर्विसिंग के बाद 2 ओम के अंडर में ही आना रह चाहिए उसको। तो अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा मिनिमम आईआर वैल्यू और मैक्सिमम डब्ल्यूआर वैल्यू। अब दोस्तों एक आपके सामने एक चार्ट दिखा रहे हैं, एक चार्ट एक स्टैंडर्ड चार्ट है हमारा आईआर वैल्यू का। इससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि हमारा कितना वैल्यू आएगा मोटर में अगर मेगर कर रहे हैं। तो मेगर के दौरान अगर जो मेगर का आईआर वैल्यू आ रहा है तो 1 से 10 मेगा ओम के बीच में आ रहा है तो कितना क्या है, 10 से 100 के बीच में आ रहा है तो क्या, एक टेबल है, इस टेबल के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। किसी भी इंसुलेशन का जो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर R मान लेते हैं तो R का इसका जो फार्मूला देखिए आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है। कोई भी मोटर होता है इसका एक रेटिंग होता है किलो वोल्ट में। तो जैसे मान लीजिए 415 वोल्ट का अगर हमारा मोटर है तो 415 वोल्ट को हम किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.41 हो जाएगा। तो जो फार्मूला होता है किलो वोल्ट मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट फैक्टर इसको 0.5 मेगा ओम। तो अगर दोस्तों 415 का किलो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.41 हो जाएगा किलो वोल्ट, अब मल्टीप्लाई बाई 0.5 ये इसका कांस्टेंट फैक्टर है। जब इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हमारा मेगा ओम में आ जाएगा। तो ये हमारा मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है किसी भी मोटर का या जो भी हमारा ट्रांसफार्मर हो, कहीं भी अगर इंसुलेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं तो उसका जो मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकाला जाता है वो हम इसी फार्मूले से निकालते हैं, किलो वोल्ट इंटू कांस्टेंट फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर हमेशा 0.5 होता है और किलो वोल्ट यानी कि जिस रेटिंग के हमारा मोटर है उसको किलो वोल्ट में कन्वर्ट करके तब उसको हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था इसका कुछ थ्योरी जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों मेगर करते समय बहुत सारी चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं। जब भी हम अगर मेगर करते हैं
तो हम उसमें जैसे दोस्तों 500 वोल्ट डीसी अगर हम इसमें अप्लाई किए हुए हैं तो 500 डीसी वोल्ट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मेगर करने के दौरान आप जब भी मेगर टेस्ट कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोब वायर होता है उसको सावधानी से टर्मिनल पर टच करें और दूसरा हाथ आप कभी दूसरे टर्मिनल पर टच नहीं करना चाहिए, बहुत इसे झटका लगता है। तो इसलिए सावधानी से इसको टेस्ट करना चाहिए। और जब भी आप किसी टर्मिनल का किसी भी फेज का जब आप मेगर ले लेते हैं तो मेगर लेने के बाद उस फेज का हमें डिस्चार्ज करना है, अर्थिंग के साथ करके वहाँ से पावर वोल्टेज डिस्चार्ज कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ वोल्टेज उसमें कुछ स्टोर हो जाता है, इसलिए वहाँ पे वोल्टेज डिस्चार्ज कर देना चाहिए अर्थिंग के साथ। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ थ्योरिकल जानकारी, चलिए आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो दिखाते हैं और उसमें आपको चेक कराते हैं, बताते हैं कि कैसे हम किसी मोटर का मेगर लेते हैं और मेगर में कैसे क्या क्या चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा मेगर है, ये हियोकी का मेगर है, ये इसका यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा मेगर है इंसुलेशन टेस्टर के लिए, ये हमारा देखिए मोटर है और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन में रहता है, ये हमारा एलटी मोटर है। तो इसका दोस्तों मेगर लेने के लिए देखिए यहाँ पे U1 V2 U1 V1 W है, उधर U2 V2 W का इधर कनेक्शन रहता है एक साइड में। तो जब भी हम मेगर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ से वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं डीसी वोल्टेज। तो जैसे देखिए ये हमारा योकी का मेगर है तो इसमें हम 500 वोल्टेज अप्लाई करेंगे और दोस्तों इसमें दो प्रोब जो होता है, तो एक प्रोब हम अर्थिंग पे देते हैं और जो दूसरा प्रोब होता है वो हमारे इसमें टच करके इंसुलेशन मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारे जब 500 वोल्ट पर लगा के इसको हम रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद ये दिखा दिया 500 वोल्ट, ये मेगा ओम में इसका आना चाहिए वैल्यू। अब दोस्तों मेजर करने के लिए हम इसको ओपन उठा लेते हैं, इसको जब ओपन करते हैं तब ये मेजर करता है, ये इसका मैक्सिमम है मेजरमेंट का 2000 मेगा ओम तक ये मेजर कर सकता है। अब दोस्तों देखिए हमको मेजर करना है तो हम इस प्रोब को टच करेंगे जिसमें, चलिए मान लीजिए हमको U1 का करना है तो हम यहाँ U1 में टच करेंगे। देखिए हमारा U1 का मेगर वैल्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप इतना मेगा ओम में इसका वैल्यू आता है। इसको दोस्तों एक मिनट तक या आधे मिनट तक लगा कर रखना चाहिए, मैक्सिमम इसका वैल्यू चला जाता है। उसके बाद फिर दूसरे में चेक करते हैं, अब देख सकते हैं ये इतना आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमारा U1 के बाद V1 में करेंगे, तो ये हमारा V1 का हो गया, तो V1 में का वैल्यू देखेंगे तो ये भी देखिए उसके बाद हो गया दोस्तों ये हमारा W का, तो W में लगाएंगे और W में लगाने के बाद की वैल्यू देखेंगे, ये आ गया तीनों का। उसके बाद दोस्तों जब इन तीनों साइड का हो जाएगा तब दूसरे एंड का U2 V2 W2 का करेंगे। तो सबसे पहले हम U2 का करेंगे, देखिए ये हमारा U2 है, U2 पर लगाने के बाद देखिए ये आ रहा है हमारा, एक एक मिनट रखते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा ये V2 है, ये V2 पर लगाएंगे, V2 की वैल्यू देखिए आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम W2 का करेंगे, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा ओपन सर्किट में हो गया। उसके बाद इसका क्या करते हैं कि एक साइड का इसका तीनों का शार्ट कर देते हैं। उसके बाद शार्ट करने के बाद तब इसका एक एक R/B करके अलग अलग इसका मेगर वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा ओपन में अभी लिए, उसके बाद एक शार्ट करके लेते हैं, इन तीनों को एक साइड शार्ट कर देते हैं और शार्ट करने के बाद इन तीनों का अलग अलग लेते हैं, उसकी वैल्यू जो ओपन में आ रहा था उससे कम आता है जब हम शार्ट करके लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जब मेजर करने के बाद एक शीट बनाते हैं, उसका डाटा शीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब मोटर का डिटेल्स रहता है। उसके बाद यहाँ पे इसका डिटेल्स के बाद IR वैल्यू, फेज टू अर्थ, ये ओपन में हो गया। उसके बाद IR वैल्यू, फेज टू अर्थ, ये हमारा 60 में ऐसे लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस लेते हैं, वाइंडिंग यानी U1 U2 V1 V2 का हम इसमें लेते हैं रेजिस्टेंस, फेज टू फेज का U1 U2 V1 V2। ये दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम आना चाहिए, ये लगभग ये 2 ओम से कम आना चाहिए इसका वैल्यू। तो यही हमारा है इसका डाटा शीट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि इसको हम शार्ट करके कैसे मेजर करते हैं इसका R/B का अलग करके। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने एक वायर के थ्रू तीनों को एक साइड में शार्ट कर लिया है। अब शार्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको अलग अलग मेजर करेंगे मेगर वैल्यू, तो आपको दिखाते हैं कैसे। अभी देखिए हम एक अर्थिंग में लगा हुआ है मोटर के बॉडी में, और उसके बाद चलिए दोस्तों देखिए सबसे पहले हम U1 का देखेंगे।
ये हमारा E1 यानी कि पहले इसको हम R वाई बी में मानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं R का, देखिए यहाँ पे ये हमारा R फेज का आ रहा है मेगा ओम में। देखिए दोस्तों जो ओपन में लिए थे अलग अलग उसके उसका वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद यू के बाद हम भी कर लेंगे, ये भी यानी कि वाई फेज का। तो देखिए वाई फेज में हमारा आ रहा है 87 89, ये आ गया। उसके बाद दोस्तों आर वाई के बाद हम बी कर लेंगे यानी डब्लू का, ये डब्लू में देखिए हमारा 77 8 ऐसे आ रहा है इसका। तो दोस्तों ये है हमारा आई आर वैल्यू दो टाइप से लेते हैं। एक होता है हमारा इंसुलेशन बॉडी टू इसका बॉडी टू और फेज का, और एक होता है फेज टू फेज के बीच का जो इंसुलेशन होता है उसका आई आर वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारा आई आर वैल्यू होता है और डब्लू आर हमारा दोनों वाइंडिंग का, यानी कि दोस्तों ये हमारा E1 है, E1 हमारा U2 और E1 और U2 के बीच का रेजिस्टेंस, उसके बाद V1 और V2 के बीच का रेजिस्टेंस और W1 W2 के बीच का रेजिस्टेंस। तो यही हमारा दोस्तों आई आर मेगर है, इसके द्वारा हम आई आर वैल्यू चेक करते हैं।